आईसीसी विश्व कप 2023 के 23वें मुकाबले में 24 अक्टूबर यानी कि आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने होंगी। लेकिन इसके पहले जिस तरीके से कल का जो मैच हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जो रोमांचक मैच हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आपको लेके चलेंगे आज के जो मैच होगा, जो आज का मैच यानी कि साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाएगा। कल के उस मैच में जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम को अफगानिस्तान की टीम ने रौंदा, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक नया अध्याय लिखा गया अफगानिस्तान की तरफ से। जी हाँ, चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में 23 अक्टूबर को क्या धाकड़ मैच हुआ, दर्शकों की जमकर मौज आई, साथ ही यह तारीख भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। जब एमए चिदंबरम स्टेडियम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें खेलने उतरी तो तमाम फैंस को लग रहा था कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हरा कर रख देगा, लेकिन नतीजा तो कुछ अलग ही आया, जिसने अफगानिस्तान का दिल गार्डन गार्डन कर दिया। आपको बता दें, अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर पहली वनडे जीत में रहमतुल्ला गुरबाज 65, इब्राहिम जादरान 87 और रहमत शाह 77 नॉट आउट, हसमतुल्ला साहिदी 48 रन, यानी कि चार उनके हीरो रहे, जिनकी बदौलत अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 283 रन का आसानी से पीछा कर लिया। यह वनडे में अफगानिस्तान का सबसे बड़ा रन चेज रहा। वहीं 8 कोशिशों के बाद अफगानी टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया। खास बात यह रही कि यह पहली बार है जब अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप में 2 मैच जीते हैं। इससे पहले अफगानियों ने पहला मैच 15 अक्टूबर को दिल्ली में गत चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ जीता था। चेन्नई में जब 283 रन बाबर आजम एंड कंपनी ने बनाए तो ऐसा लगा था कि अफगानिस्तान इस लक्ष्य के सामने धड़ाम हो जाएगी, लेकिन उन्होंने साबित करके दिखाया कि इंग्लैंड के खिलाफ मिली जीत उनके लिए कहीं से भी तुक्का नहीं थी। इस मैच में अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज रहमतुल्ला गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने शानदार प्रदर्शन किया और शाहीन अफरीदी और हसन अली जैसे गेंदबाजों का डटकर सामना किया। दोनों ने मिलकर 130 रनों की पार्टनरशिप की और ये पार्टनरशिप जो बहुत मजबूत आधारशिला भी रखी। इसके बाद एक ओवर शेष रहते अफगानिस्तान ने लक्ष्य का पीछा, यानी कि जो 283 रनों का लक्ष्य था, उसको हासिल कर लिया। अफगानिस्तान का इससे पहले किसी भी वनडे में सबसे बड़ा रनचेज 2014 में यूएई के खिलाफ आया था, जहां अफगानिस्तान ने 274 रनों का सफलतापूर्वक चेज किया था। वहीं इस साल अफगानिस्तान की टीम ने श्रीलंका द्वारा दिए गए 269 रनों का सफलतापूर्वक चेज किया था। वैसे इस जीत ने अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए एक नया अध्याय लिखा है। वहीं इस मैच में अफगानिस्तान ने कई ऐसे ऐतिहासिक कारनामे अपने नाम किए जो कि आप उस बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आइए आपको बताते हैं उनके बारे में जो कारनामे अफगान के खिलाड़ियों ने किया वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की जीत। जी हां, ड्विडेन 2015 में स्कॉटलैंड को 1 विकेट से रौंदा, इंग्लैंड को 69 रनों से हराया दिल्ली में इसी वर्ल्ड कप में, 2023 में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया चेन्नई में इसी मैच में। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान का हाईएस्ट स्कोर की अगर बात की जाए तो 288 बनाम वेस्टइंडीज लीड्स 2019, 286 बनाम पाकिस्तान चेन्नई 2003, अक्टूबर 2023 284 बनाम इंग्लैंड दिल्ली 2023, 272 बनाम भारत दिल्ली 2023, यानी कि जो उनके सबसे बड़े मुकाबले हैं, जो सबसे बड़ा उनका रन है, वो इसी साल इसी वर्ल्ड कप में आए हैं। अगर बात की जाए वनडे में अफगानिस्तान द्वारा सबसे बड़ा रन चेज, जी हाँ, 283 बनाम पाकिस्तान जो कल के मैच में ये अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ चेज किया। आप सोच सकते हैं जिसके पास बाबर आजम हो, इफ्तिकार अहमद हो, सदाब खान हो, और जिस तरीके से शानदार तरीके से फॉर्म में चल रहे हैं पाकिस्तान के बल्लेबाज विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, उसके बाद भी अफगानिस्तान जैसी टीम पाकिस्तान को 8 विकेट से इस मैच में रौंद देती है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए, चेन्नई की वो पिच जहां पर पाकिस्तान ने अपने 2 मैच खेले, दोनों भारत के सामने खेले और दोनों मैचों में भारत की टीम को फटकनी दी, उसके बाद ये मैच जब कल होता है, सबको अंदाजा था कि इस मैच में कहीं ना कहीं अफगानिस्तान पहले से हार गई, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम 283 रनों का पीछा कभी कर नहीं पाई थी, यानी कि इतने बड़े मुकाबले में इतने बड़े रन चेज वो कभी कर नहीं पाई थी। लेकिन अफगान के पठान ने यह दिखा दिया कि वो हौसला उनके अंदर है। आपके पास मोहम्मद रिजवान है, आपके पास बाबर आजम, इफ्तिकार अहमद हैं, तो हमारे पास रहमतुल्ला गुरबाज हैं, रहमत शाह हैं, इब्राहिम जादरान हैं, राशिद खान, मोहम्मद नबी हैं, और इस मुकाबले को उन्होंने एक ओवर शेष रहते हुए 8 विकेट से अपने नाम किया। वहीं अगर बात करें वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के विरुद्ध सबसे बड़ा लक्ष्य का पीछा करते हुए 283 अफगानिस्तान ने चेन्नई में कल इसको चेज किया।
274 बनाम सेंचुरियन 2003 में, 267 वेस्ट इंडीज बर्मिंघम 1975, 243 दक्षिण अफ्रीका कराची 1996। और अगर वहीं बात की जाए आईसीसी विश्व कप 2023 के 23वें मुकाबले में 24 अक्टूबर यानी कि आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने होंगी। ये वही पिच है जिस पिच पर पहले बल्लेबाजी करते हुए इसके पहले मैच में जिस तरीके शानदार 399 रनों की पारी खेली थी साउथ अफ्रीका की टीम ने, उस मैच में हेनरी क्लासन का और जिस तरीके से जो उनके बल्लेबाज और ऑलराउंडर हैं मार्को जॉनसन का बखूबी साथ मिला और साउथ अफ्रीका की टीम ने एक मजबूत स्कोर बनाया 399। ऐसे में ये मुकाबला 2 बजे शुरू होगा और इस मैच में सबकी निगाहें एक बार फिर से बांग्लादेश पर टिकी होंगी, क्योंकि बांग्लादेश को ये मैच जीतना है, उनके लिए मस्ट विन मैच है अगर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपने रेस को, अपने दावेदारियों को मजबूत करना है तो। लेकिन इस मैच में जिस तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि टिम्बा बमुआ की वापसी हो सकती है, उधर बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन की वापसी हो सकती है, वैसे ये मैच जो होगा आपको बता दें जैसे जैसे ये मैच बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये पिच स्पिनरों के लिए मुशीद होगी। यानी कि आप साफ तौर से ये कह सकते हैं जिस तरीके से मैच आगे चलता जाएगा इस पे स्पिनर कुछ न कुछ करिश्मा कर सकते हैं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं बांग्लादेश की टीम को ये सोचना होगा कि राशि वैन डुसे, क्विंटन डिकॉक, मार्को जॉनसन, हेनरी क्लासन, एडन मार्करम को ये टीम रोकी कैसे। आखिर उनके पास जो पेस अटैक है, जो स्पिन है, चाहे मेडिसन बरियाज की बात कर लें, चाहे साकिब अल हसन की बात कर लें जो विश्व के नंबर वन ऑलराउंडर में आते हैं, अच्छी स्पिन गेंदबाजी करते हैं, वो अफगानिस्तान की टीम जो कल पाकिस्तान को हराई उनसे उनको कुछ सीखना होगा। और इस मैच में साउथ अफ्रीका को अगर हार देनी है तो उनको तीनों विभागों में अच्छा करना होगा, फिर चाहे बल्लेबाजी हो, चाहे गेंदबाजी हो, या फिर चाहे क्षेत्र रक्षण हो। ये मुकाबला 2 बजे से खेला जाएगा। फिलहाल वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।